नमस्कार नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी। अब सबसे पहले तो मुझे ये सीखना है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। यह मैंने लिखा है द सिंगल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द होल ग्रुप। आपको मालूम है ये हम स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, और स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो भी डाटा हमारे पास होता है वो एक सिंगल ऑब्जर्वेशन नहीं होती, यानी वो ग्रुप ऑफ डाटा होता है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज होती हैं। अब उन ग्रुप ऑफ वैल्यूज को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, कोई एक वैल्यू देनी है उसकी, तो उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। आइए एक एग्जांपल से डिस्कशन करता हूं। मान लीजिए कोई एक क्लास टेंथ की ले लेते हैं। तो क्लास टेंथ की अगर मैं आपसे बात करूं और मेरे से बात की जाए उनकी एज की, तो क्या कहना पसंद करेंगे? अब बोलेंगे टेंथ क्लास का बच्चा लगभग 14 साल का होता है, 14, 15, 13.5। तो ऑन एवरेज अगर किसी टेंथ क्लास में जाकर के क्लास के टीचर से हम लोग पूछें किस क्लास में किस एज ग्रुप के बच्चे बैठे हैं, तो टीचर का क्या आंसर होगा? क्या वो सारे बच्चों को खड़ा करके आपसे एज कहेगा कि आई ये एज बताइए? नहीं ना। वो क्या कहेगा? वो बोलेगा कि इस क्लास में लगभग 14 साल की उम्र के बच्चे बैठे। ठीक। तो ये जो एक सिंगल वैल्यू दे दी किसके लिए? उस ग्रुप ऑफ डाटा के लिए, उस ग्रुप ऑफ वैल्यूज के लिए। तो इस सिंगल वैल्यू का नाम क्या होता है जी? सेंट्रल टेंडेंसी, यानी द सिंगल एक्सप्रेशन इन द स्टेटिस्टिक्स इज नोन एज द एवरेज, उसे हम बोल दिया करते हैं। तो एक सिंगल वैल्यू जो पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी, उसको हम नाम दे देंगे सेंट्रल टेंडेंसी, या उसको हम नाम दे देंगे एवरेज। ठीक है, राइट। अब बात करते हैं कि ये सेंट्रल टेंडेंसीज कितनी तरह की होती है। देर आर 5 टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। 5 तरह की बताई जा रही है जी। अब ये 5 तरह की जो सेंट्रल टेंडेंसीज आपके साथ बात की जा रही है, उनमें सबसे पहला नाम अरिथमेटिक मीन का, मीडियन का, मॉड का, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब आप कहेंगे है तो सेंट्रल टेंडेंसी, अलग अलग तरह से क्यों निकाल रहे हैं जी? एक ही तरह का डाटा होगा, अलग अलग तरह से क्यों निकाल रहे हैं? आप कहेंगे अलग अलग तरह की सिचुएशंस मेरे पास अगर होंगी, उस डाटा को देख करके हमें किस तरह से उसे कैलकुलेट करना चाहिए, किस तरह से उसकी सेंट्रल टेंडेंसी मुझे निकालनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं चूज करूंगा कि मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना चाहिए या मीडियन निकालना चाहिए। आइए मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बताता हूं अरिथमेटिक मीन। आप कब निकालते हैं अरिथमेटिक मीन? आप तब निकालते हैं जब आपके पास डाटा मिलता जुलता हो जाए। मिलता जुलता का मतलब है कि उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, तो उस कंडीशन में अरिथमेटिक मीन आपको निकालना चाहिए। अब बात आई जरा मीडियन की। मीडियन हम उस सिचुएशन में निकाला करते हैं जब डाटा एक जैसा ना हो, कोई एक वैल्यू बहुत बड़ी हो, कोई एक वैल्यू बहुत छोटी हो, बीच की वैल्यूज कुछ नॉर्मल सी हो, तो ऐसे सिचुएशन में अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आएगा, सही तरह का रिजल्ट नहीं निकल पाएगा मेरे पास।
तो ऐसी सिचुएशन में हम मीडियन निकाला करते हैं, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से इन सबको डिस्कशन करेंगे आपके साथ, डिटेल में पढ़ेंगे इन्हें हम। तो प्रेजेंटली तो मुझे क्या जानना है यहां, तो इस टॉपिक में मुझे केवल यही जानना है कि देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, पांच तरह की होती हैं, किस किस सिचुएशन में निकालते हैं वो आगे हम डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं जी, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ गुड एवरेज, यानी एक अच्छा सेंट्रल टेंडेंसी जो आपने निकाला वो गुड, अच्छे फीचर्स क्या होंगे किसी सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी में। सबसे पहले इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, रिजिडली डिफाइंड को मैंने लिखा डिफरेंट पर्संस मे नॉट इंटरप्रेट डिफरेंटली, यानी इसका प्रॉपर वे होना चाहिए कि किस तरह से इसको निकाला जाएगा, अलग अलग पर्सन इसको अलग अलग ना निकाले। सेकेंड थिंग इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट, आसानी से समझ में आ जाए और कैलकुलेशन भी आसान हो, वो अच्छा एवरेज होगा। बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सारी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड हो, ऐसा ना हो कि कुछ ही ऑब्जर्वेशंस से रिजल्ट निकल आए जी मेरे पास, नहीं जी वो एक अच्छा एवरेज नहीं होता। लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग, फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग क्या चीज हो गई जी, सैंपलिंग होता है जब हम अलग अलग तरह के डाटा को कलेक्ट करते हैं, वो सैंपल होते हैं मेरे पास। अब सैंपलिंग अगर डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग प्लेसेस से सैंपल किए लिए गए हैं, तो वो एवरेज उस सैंपलिंग पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, उसे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इज इट फाइन, करेक्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंट्रल टेंडेंसी जिसे हम बात करेंगे अरिथमेटिक मीन के रूप में, तो आइए अरिथमेटिक मीन को डिस्कशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन फॉर द इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज यहीं से समझ करके आप चलिए, क्योंकि आगे जब हम चलते चले जाएंगे इस स्टेटिस्टिक्स में तो ये बार बार अलग अलग तरह की सीरीज मेरे सामने आएंगी। आपको स्टार्टिंग से ही मालूम हो कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, या और तरह की सीरीज जो डाटा मुझे गिवन होगा तो वो किस टाइप का डाटा है वो मुझे यहीं से ही शुरुआत हो जाएगी पता लगने की, तो आपको उसको लर्न भी रखना है, याद रखना है उसको। तो इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जिसके अंदर आपके पास ऑब्जर्वेशंस कुछ इस तरह से x1 x2 xn तक कुछ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्लास के बच्चे हैं और 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों ने 10 में से कुछ मार्क्स लिए और उनके मार्क्स की डिटेल मेरे पास है, तो उन 10 ऑब्जर्वेशंस को मैं इसी तरह से लिख लूंगा जी, सीधा सीधा है, पहले बच्चे के नंबर, दूसरे के, तीसरे के, इस तरीके से मेरे पास आ गए जी। तो अब अगर मुझे इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन जिसे हम इस तरह से x के ऊपर बार लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, सबको ऐड कीजिए, x1 प्लस x2 इस तरीके से जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको सबको ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद जितने नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास हैं उससे आप डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास जो हैं वो n है, तो n से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ऐड ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कीजिए, एंड देन डिवाइड द होल, द सम जो भी आया मेरे पास उसको आप नंबर ऑफ टर्म्स से डिवीजन कर दीजिए, ठीक है, जिसको हम लिख लेते हैं सिग्मा, हम लोग एक्स, ठीक है, या कई जगह हम इसको एक्स और ये आई भी लिख देते हैं। यहां पर आई किसे बोला मैंने, आई बोला मैंने एक से लेकर और एन तक की ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। कई बार आप खाली सिग्मा एक्स भी लिख करके छोड़ देते हैं,
कोई आई और एन लिखाई नहीं करते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिग्मा एक्स आई लिख दें, ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा अच्छा लगेगा, और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उससे आप इसे डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा इंडिविजुअल सीरीज के केस में। इज इट फाइन? आइए इस पर बेस्ड एक एग्जांपल को डिस्कशन करूंगा आपके साथ। क्या है वो एग्जांपल? ये है जी मेरे सामने। इसमें बोला गया फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम 58, 62, ऑल दिस कंप्यूट मीन मार्क्स। अब देखिए जो मीन मार्क्स उसने लिखा, तो आप ये मत समझिए कि अरिथमेटिक मीन नहीं लिखा उसने, ये अरिथमेटिक मीन ही है। या कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपके पास इसी क्वेश्चन को दे देता कंप्यूट द सूटेबल सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी। सूटेबल सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी का मतलब हुआ कि वो जो पीछे सेंट्रल टेंडेंसीज पांच तरह की मैंने बताई हैं, उनमें से कौन सी इस डाटा के लिए सूटेबल है उसको आप लगाइए। या तो सीधा मीन मार्क्स मुझे गिवन है तो मुझे कहीं ज़्यादा चालाकी दिखाने की या कुछ अपना ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है, या तो सीधा अरिथमेटिक मीन ही उसने मेरे से पूछ लिया। लेकिन अगर वो सूटेबल भी देता तो मुझे क्या करना चाहिए था जी? मुझे डाटा को ऑब्जर्व करना चाहिए था। अब डाटा को बड़े ध्यान से देखूं तो मैं देख रहा हूं डाटा जो है लगभग एक जैसा ही दिख रहा है, आसपास ही दिखाई दे रहे। लेकिन मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक वैल्यू 5 भी होती और एक वैल्यू यहां पर 225 भी होती, तो क्या होगा? आप देख रहे हैं यहां तो डाटा में गड़बड़ होगी। एक वैल्यू बहुत बड़ी है 225, एक वैल्यू बहुत छोटी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अरिथमेटिक मीन को यूज नहीं करते। तो पीछे जो मैं अरिथमेटिक मीन का जो डिफरेंस आपको समझाने, सेंट्रल टेंडेंसी का जो डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा था, उसको यहां पर आप समझ सकते हैं कि जब डाटा बहुत ज्यादा डिफरेंट हो तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग मीडियन निकाला करते हैं। कैसे निकालते हैं ये नहीं बता रहा हूं मैं भी आपको, मीडियन जब मीडियन निकालेंगे तब बताएंगे। लेकिन यहां मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये डाटा यूनिफॉर्म सा है, एक जैसा मिलता जुलता सा दिखाई दे रहा है, तो आप इसके अंदर अरिथमेटिक मीन निकालिए। और अगर ये कुछ एक दो वैल्यूज कुछ ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं या बहुत बड़ी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सूटेबल सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी वो मेरे पास मीडियन हो जाता है। तो मीडियन की जब बात आएगी तब करेंगे उसके बारे में, तो प्रेजेंटली हम तो केवल अरिथमेटिक मीन इसका निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहां पर आपने देखा 9 ऑब्जर्वेशंस हैं मेरे पास, 3, 3, 6 और 3, 9। मुझे 9 ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करके देना है। तो जब इन 9 ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन निकालना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सीधा सीधा इनको ऐड करना है मुझे और 9 से डिवाइड कर देना है जी। तो मेरे पास अरिथमेटिक मीन, जिसे मैं एक्स बार बोल सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना है? सबको ऐड करना है, 58, 62, 48, 53, 70, 52, 60, 84 और 75। काउंट कर लूँ मैं इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस मैंने नोट कर ली जी, लिख ली, और इसको नंबर ऑफ टर्म्स यानी जिसे काउंटिंग है इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, उस 9 से मुझको इसको डिवीजन कर लेना है। तो सबको मैंने ऐड किया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास इनका अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो मेरे पास इनका जो सम आता है दैट इज
562 डिवाइडेड बाय 9। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सारे के सारे 9 स्टूडेंट्स ने मिलकर 562 मार्क्स ऑब्टेन किए, और जब मैंने उनको 9 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 62.44, यानी 62.44 एक ऐसी वैल्यू आ गई विच इज द सेंट्रल टेंडेंसी फॉर दिस डेटा, यानी एक बीच की एक ऐसी वैल्यू है जो इस पूरे के पूरे डेटा का रिप्रेजेंटेटिव है जी। यानी 62.44 से कुछ वैल्यूज कम है और कुछ वैल्यूज इससे ज्यादा है। ये एक सेंट्रल टेंडेंसी, एक बीच की वैल्यू है जो सारे के सारे डाटा का प्रतिनिधित्व करती है, हिंदी के अंदर अगर मैं बोलूं तो रिप्रेजेंटेटिव हो गया जी, रिप्रेजेंट कर रही है जी उसको। इज इट फैंटास्टिक? तो इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज में मुझे अगर अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना था तो सारी वैल्यूज को मैंने ऐड किया, नंबर ऑफ टर्म से मैंने उसको डिवाइड कर दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इंडिविजुअल सीरीज मुझे समझ में आ गई जी, राइट। आगे और सीखेंगे कुछ, देखते हैं। आइए अब सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन फॉर द डिस्क्रीट सीरीज। बार बार बोल रहा हूं कि सीखते चलिए आप कि किस तरह का डाटा इंडिविजुअल, पहले हमने जो डाटा लिया इंडिविजुअल लिया, ये डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहा हूं मैं आपसे। डिस्क्रीट सीरीज किस टाइप की होती है देखते हैं। लेट एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री अप टू एक्स एन, ये तो वैल्यूज हैं जी मेरे पास, साथ ही साथ इनकी फ्रीक्वेंसीज भी मुझे गिवन है। ठीक है, तो पिछली बार तो मैंने देखा था कि मेरे पास खाली यही एक्स वन से लेकर एक्स एन तक की वैल्यूज थी। वो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं जब हमारे पास डाटा थोड़ा होता है, कम क्वांटिटी में होता है, हमें फ्रीक्वेंसीज निकालने की जरूरत नहीं होती। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये एक्स वन से लेकर 100 तक होते हैं तो मुझे लगता है आपको ऐड करने में ही मिस्टेक कर देते आप। तो ऐसी सिचुएशन में डाटा को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसीज लिखना थोड़ा जरूरी हो जाता है, सो दैट कि वो डाटा आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपके पास एक्स वन से लेकर एक्स एन तक डाटा है, उस डाटा की फ्रीक्वेंसीज आपके सामने हैं। यहां भी आपसे बोला गया कि अरिथमेटिक मीन निकाले, तो अरिथमेटिक मीन इन दिस केस विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एज एक्स बार, इसको भी एक्स बार की टर्म में लिखेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना है, एफ वन को एक्स वन के साथ मल्टीप्लाई करना, एफ टू को एक्स टू के साथ मल्टीप्लाई करना, और सबको ऐड करते चले जाना। ठीक है, राइट। प्लस एफ एन एक्स एन, और अपॉन में क्या लेना है जी मुझे, इन सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, एफ वन एफ टू और अप टू एफ एन। अब क्या लिखूं जी इसको, अब सिग्मा की टर्म में हम इसको लिखते हैं सिग्मा, ये जो सिंबल इस तरह से बना रहे हैं इसको सिग्मा पढ़ रहे हैं, एफ आई एक्स आई, या कई जगह आप एफ एक्स भी लिखा देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आई किसे बोला मैंने, वन से लेकर एन तक, एफ एक्स लिख देंगे तो आई और आई की वैल्यू इस तरह से लिखने की आपको जरूरत नहीं है, और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, आसान सी बात है जी। तो कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, इसके लिए मेरे सामने फॉर्मूला आ गया, इसको मुझे याद रखना। आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करेंगे, क्या है वो क्वेश्चन देखते हैं। यह है जी क्वेश्चन मेरे सामने, फाइंड द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग
फ्रीक्वेंसी टेबल, ये फ्रीक्वेंसी टेबल मुझे गिवन है और इसमें आप बड़े ध्यान से अगर देखें तो आपके सामने लिखा मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स 52, 58, 60, 65, ठीक है। तो मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना, अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स, बच्चों ने कितने मार्क्स लिए और उनका अरिथमेटिक मीन कितना था, ठीक है। तो आइए पहले इस डाटा को कॉलम के टर्म में लिखते हैं और वो किस तरीके से लिखते हैं। ये जो मार्क्स आपके पास ऑब्टेन है जिसका आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है उसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके साथ वो रिपीटेड जो वैल्यूज हैं। अब जरा इसे भी समझे क्या है ये वास्तव में लिखा कि 52 मार्क्स लेने वाले जो नंबर स्टूडेंट्स हैं वो 7 हैं, 7 बच्चों ने 52 मार्क्स लिए, 58 मार्क्स लेने वाले 5 हैं जी, 60 वाले 4 हैं जी। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी 52 उस डाटा में 7 टाइम्स रिपीट हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। चलिए लिख लेते हैं इसको कॉलम्स के टर्म में, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इस डाटा को कॉलम्स के टर्म में, जो गिवन डाटा था वो उसको हमने लिख लिया जी। अब आइए अरिथमेटिक मीन निकालना है। इस तरह की सीरीज को आपको क्या बताया था मैंने, दैट इज द डिस्क्रीट सीरीज। अब उस डिस्क्रीट सीरीज में जब मुझे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए मुझे कैसे निकालना है जी, आपको मालूम है कि इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ इंटू एक्स, चलो जी मैं और डिवाइडेड बाय सिग्मा, आई का चक्कर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको आसानी से समझ में आएगा, आई लिखने की जरूरत नहीं। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब आप इस एफ और इस एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 7 को 52 से, 5 को 58 से, 4 को 60 से, 6 को 65 से, 3 को 68 से, 3 को 70 से और 75 को 2 से, करेक्ट। तो मेरे पास कितना आ गया, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 7 × 14, 7 × 35 और 1 36, 364 आ गया जी मेरे पास। तो इस तरीके से और वैल्यूज भी मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। ये हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया जी आपके सामने। अब क्या करना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब ये जो एफ एक्स वाली वैल्यूज आपने निकाली हैं इनका सम कर लीजिए। सिग्मा का मतलब समेशन ऑफ ऑल दिस, इनका टोटल, इनका टोटल अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो वो मेरे पास कितना आता है, 1848, 1848, राइट। और नीचे क्या है, सिग्मा एफ का मतलब इस फ्रीक्वेंसीज का सम कर लीजिए जी, फ्रीक्वेंसीज का सम मेरे पास जो आता है दैट इज 30, राइट। सारी इंफॉर्मेशन निकल आए, इसमें पुट कर दीजिए, एक्स बार इज इक्वल्स टू 1848 डिवाइडेड बाय 30 से डिवीजन करना, और 30 से डिवीजन करने पर मेरे पास 61.6 आ जाएगा। फैंटास्टिक, आसान, बहुत सिंपल, बहुत सरल भाषा में हमने आपको समझाया, उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो के एंड में आज हम आ गए तो आज हमने सेंट्रल टेंडेंसी से स्टार्ट किया, डिफरेंट टाइप की सेंट्रल टेंडेंसीज हमने सीखी, उसके बाद हमने शुरुआत की अरिथमेटिक मीन से। उस अरिथमेटिक मीन में हमने इंडिविजुअल सीरीज का अरिथमेटिक मीन किस तरह से हम लोग निकालते हैं, डिस्क्रीट सीरीज का अरिथमेटिक मीन किस तरह से निकालते हैं वो हमने सीखा, ठीक है। आगे और भी तरह के सीरीज हमारे पास आएंगे, उनको भी हम धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपके सामने लाएंगे। आप सीखते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो हम आपको कराएं उनको धीरे धीरे करते भी रहिए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।